सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे जे क्लासेस में अवार्ड में। आज अमल कर रहे हैं पहल टू ब्रिज रेमिडिएशन वर्कबुक इंग्लिश ग्रेड थर्ड 2022। इसके अंतर्गत वर्कशीट 15 जो कि पेज नंबर 18 पर है। आइए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले सभी हल आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं वर्कशीट 15। कंपेटेंसी कैन यूज प्रोनाउंस दिस और देट। दिस और देट का मैं प्रयोग करना सीखना है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस देट। दिस और देट को हमें फिल करें, हमें पहले इसका मतलब समझ लेना है। दिस यानी पास में है और देट यानी कोई दूर की वस्तु। जो हमारे पास है वो दिस और जो दूर है वहाँ देट आ जाएगा। अब इसमें हल करते हैं। पहला देखें, ये हमें एक पोट यानी गड़ा दे रखा है और ये उंगली दे रखी है, तो ये उंगली के गड़ा पास में है तो पास के लिए दिस आएगा, दिस इज ए पोट। और दूसरा देखिए, ये उंगली इस जगह है और चित्र इस जगह है तो यह थोड़ा दूर है तो यहाँ देट आ जाएगा, देट बॉल इज माइन। तीसरा देखें, पेन इस, देखिए ये उंगली दिख रही है हमें, इसके पास है तो दिस इज ये ए पेन, ये है एक पेन है। और चौथे में देखें, ये पेंसिल थोड़ी दूर है और ये उंगली यहाँ है तो इससे ये पेंसिल थोड़ी दूर है तो यहाँ देट आ जाएगा, देट पेंसिल इज पेंसिल यूअर्स, वह पेंसिल आपकी है। पांचवा, एक किताब का चित्र और उंगली इसके पास में है, पास के लिए हमेशा बताया दिस आएगा, दिस इज ए बुक, यह किताब है। छठा, ये उंगली इधर है और पंखा दूर है थोड़ा तो इसके लिए आ जाएगा दैट, दैट यानी वह, दैट इज ए फैन, वह पंखा है। अगला चित्र है टोपी का, हैट, दिस इज ए हैट, यह टोपी है। और ये चित्र है गेंद का, ये थोड़ी दूर है तो इस उंगली से थोड़ी दूर है, येट देखिए ये उंगली के पास ही है तो दिस आया, दूर के लिए आएगा दैट, दैट इज ए बॉल, वह एक गेंद है, दूर के लिए दैट और पास के लिए हमेशा दिस लगाएंगे। ये थी वर्कशीट 15 जो कि पेज नंबर 18 पर है। इससे संबंधित और भी हल प्राप्त करने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है, उस पर उंगली लगाएं, प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। वहाँ सभी वर्कशीट के हल करके हमने एक साथ डाल रखे हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।